हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आप में से कई लोगों ने पिछले वीडियोस में एक सवाल पूछा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, बीए बीएड का कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि बीए बीएड या बीएससी बीएड किस सब्जेक्ट में डिग्री ऑफर की जाती है। आपको ये बता दें, जैसा कि आप लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या बी कॉम से बी एड होता है या इंग्लिश से बी एड होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हो या फिर साइंस की, जिसमें कि आपको बी एड की स्पेशलाइजेशन की डिग्री दी जाती है। सबसे पहले मैं साइंस की बात करूँ, साइंस के सब्जेक्ट की बात करूँ, इंटीग्रेटेड बी एस सी बी एड के कोर्स की बात करूँ, तो किस सब्जेक्ट में आप बी एड की डिग्री यहाँ से हासिल कर सकते हैं जब आप 4 साल का कोर्स कम्प्लीट कर लेंगे। मैथमेटिक्स ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन 3 सब्जेक्ट्स में आप बीएड इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड की डिग्री यहां से हासिल करेंगे किसी एक सब्जेक्ट में। इसी प्रकार अगर आप नॉन मैथमेटिक्स ग्रुप से अगर चूज करना चाहते हैं तो आपको एनिमल साइंस, प्लांट साइंस और साथ ही साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बीएससी बीएड की डिग्री मिल सकती है इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड 4 ईयर्स की। इसी प्रकार अगर बात करें इंटीग्रेटेड बीए बीएड के, तो इसमें कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें आप 5 सब्जेक्ट्स में बीए बीएड की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट में आप बीए बीएड की डिग्री हासिल कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप बीएड की डिग्री हासिल कर सकते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इन सब्जेक्ट्स के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में आपको बीएड की डिग्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से फिलहाल नहीं दी जाती है। इस वीडियो के आखिर में मैं स्लाइड्स के मदद से आपके साथ उन सब्जेक्ट्स की डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ प्रॉस्पेक्टस के लिंक शेयर करूंगा, जहां आप ज़्यादा जानकारी सेमेस्टर के बारे में, क्या क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, कितने क्रेडिट का कोर्स होता है, ये सारी जानकारी वहां मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स, फीडबैक आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को दूसरों से भी शेयर कीजिए। आपकी कोई भी सवाल हो तो आप बिलाझिझक पूछिए, जैसा कि मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नया वीडियो भी बनाऊंगा। आप इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल।